भालोटिया ऑनलाइन क्लासेज के चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। तो दोस्तों आज हम आरआरबी जेई का जो 28 मई को जो शिफ्ट फर्स्ट शिफ्ट सेकंड और शिफ्ट थर्ड में जो जीके व जीएस के क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चनों पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि ये वीडियो आरआरबी जेई के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ ही साथ में एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो क्योंकि जो आगे जो एग्ज़ाम होने वाला है वो कुछ इसी पैटर्न पर होने वाला है। तो अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना क्योंकि लाइक करने से बनाने वाले का मोटिवेशन बढ़ता है। तो चलो हम यहाँ पे देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे। तो देखो क्वेश्चन पूछा गया था कि पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी। तो देखो पहले जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पानीपत की तृतीय युद्ध के बारे में पूछा गया था। अब देखो आज उस टाइम पर भी मैंने आप तीनों के बारे में बताया था कि प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध और तृतीय युद्ध। तो देखो पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी, 20 अप्रैल 1526 को हुई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। इसमें बाबर की क्या हुई थी, विजय हुई थी। द्वितीय युद्ध हुआ था वो 5 नवंबर 1556 को हुआ था अकबर व हेमू के मध्य। इसमें किसकी विजय हुई थी, अकबर की विजय हुई थी। और अकबर इस युद्ध में 13 वर्ष के थे और 13 वर्ष के की आयु में ही ये दिल्ली की राजगद्दी पे बैठ गए थे। अब तृतीय युद्ध हुआ था 14 जनवरी 1761 को, मराठा सरदार सदा शिवराय भाऊ व अहमद शाह अब्दाली के मध्य हुए थे। इसमें मराठा जो सरदार था वो बुरी तरह से पराजित हो गए थे। सेकेंड क्वेश्चन पूछा गया था कि पवनों का देश किसे कहा जाता है। तो पवनों का देश किसे कहा जाता है, डेनमार्क को कहा जाता है और डेनमार्क की कैपिटल क्या है, कोपेनहेगन है। थर्ड क्वेश्चन है कि भारत के अटॉर्नी जनरल कौन है। तो अभी जो भारत के अटॉर्नी जनरल है वो कौन है, के वेणुगोपाल। कौन है, के वेणुगोपाल। और इन्हें जो भारत के जो अटॉर्नी जनरल होते हैं, महान्यायवादी होते हैं, उनको नियुक्त कौन करता है, तो इनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अभी फोर्थ क्वेश्चन है कि गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था। तो गरीबी हटाओ का नारा जो 1971 में जब चुनाव हुए तो इंदिरा गांधी ने दिया था। किसने दिया था, इंदिरा गांधी ने दिया था। और कब दिया था, 1971 में दिया था, चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेसबॉल में कितने प्लेयर होते हैं। तो बेसबॉल में कितने प्लेयर होते हैं, 9 प्लेयर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनप्रीत सिंह किस खेल से संबंधित हैं। तो मनप्रीत सिंह किस खेल से संबंधित हैं, हॉकी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिकी पोंटिंग का निकनेम क्या है। तो रिकी पोंटिंग का निकनेम क्या है, पुंटर। क्या है, पुंटर। अब देखो इनका पूरा नाम क्या है, रिकी थॉमस पोंटिंग। क्या है, रिकी थॉमस पोंटिंग। और ये ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट प्लेयर हैं। क्या है, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट प्लेयर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि त्रिपुरा की राजधानी क्या है। तो त्रिपुरा की राजधानी क्या है, अगरतला। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि स्पेशल ओलंपिक में भारत को कितने गोल्ड मेडल मिले हैं। तो देखो ये क्वेश्चन भी दोबारा रिपीट हुआ है। तो देखो स्पेशल ओलंपिक खेल में भारत को कितने गोल्ड मेडल मिले हैं, 85 गोल्ड मेडल मिले हैं, 154 सिल्वर मेडल मिले हैं और 129 क्या मिले हैं, ब्रॉन्ज मेडल मिले हुए हैं। और जो स्पेशल ओलंपिक खेल हैं ये कहाँ हुए थे, आबू धाबी में हुए थे। यानी कि आबू धाबी कहाँ, यूएई में, संयुक्त अरब अमीरात में। और कब हुए थे, मार्च 2019 में हुए थे, अभी जस्ट हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि एमीसेट और 28 सैटेलाइट किससे भेजी गई थी। तो किससे भेजी गई थी, PSLV C-45 से भेजी गई थी। और कब भेजी गई थी, 11 अप्रैल 2019 को भारत ने भेजी थी। किसने भेजी थी, भारत ने भेजी थी। अब पूछा गया था कि CaSO4 किसका फॉर्मूला होता है। तो CaSO4 किसका फॉर्मूला होता है, कैल्शियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे हार्ड मेटल कौन सा है। तो सबसे हार्ड मेटल कौन सा होता है, धातु प्लेटिनम। तो देखो वहाँ पे आपको हीरा भी ऑप्शन में था, लेकिन हीरा ये क्या है, हीरा प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है। और हीरा क्या होता है, कार्बन का अपरूप है, ये कोई हीरा मेटल नहीं है। तो मेटल क्या होती है, प्लेटिनम होती है। हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन ये क्या है, कार्बन के एलोट्रोप्स हैं। तो इसमें हीरा ऑप्शन में नहीं आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, प्लेटिनम।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि कुसुम योजना किस मंत्रालय से संबंधित है, तो कुसुम योजना नवीन और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से संबंधित है। अब देखो कुसुम की फुल फॉर्म क्या होती है, किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। क्या है? किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान अभियान है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि फॉस्फोरस का सिंबल क्या होता है, तो फॉस्फोरस का सिंबल किससे डिनोट करते हैं, पी से डिनोट करते हैं, और ये कौन से नंबर पे आता है, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 15, और इसका जो परमाणु भार, तो परमाणु भार कितना होता है, 31 होता है, मतलब 30.95 के अराउंड होता है, तो लगभग 31 होता है, और इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है, 15 होता है। तो इसमें देखो अगर न्यूट्रॉनों की संख्या पूछे तो परमाणु भार में से एक परमाणु क्रमांक घटा देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, न्यूट्रॉनों की संख्या। तो इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 16 न्यूट्रॉन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे अधिक संयोजकता किसकी होगी, तो देखो वहाँ पे आपको ऑप्शन में मिला था एल्यूमिनियम, फॉस्फोरस, सोडियम और सिलिकन। तो देखो सिलिकन की संयोजकता सबसे इन सभी में सबसे ज़्यादा होती है, सिलिकन की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है, एल्यूमिनियम की संयोजकता 3 होती है, फॉस्फोरस की संयोजकता भी कितनी होती है, 3 होती है, 2, 8, 5 यानी कि इसकी 3 होती है, और सोडियम की संयोजकता कितनी होती है, सोडियम प्लस 2 से डिनोट करते हैं ना, तो सोडियम की संयोजकता 2 होती है। तो इनमें सबसे ज़्यादा संयोजकता किसकी है, सिलिकन की। और एक क्वेश्चन की है सिलिकन और जर्मेनियम ये क्या होते हैं, अर्धचालक होते हैं, क्या होते हैं, अर्धचालक होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि सिलिकन क्या है, तो सिलिकन एक अर्धचालक धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे शरीर का आपातकालीन हार्मोन किसे कहा जाता है, तो देखो ये वाला क्वेश्चन भी बार बार में रिपीट हो रहा है, तो देखो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो हमारे शरीर का आपातकालीन हार्मोन यानी कि इमरजेंसी हार्मोन किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है कि एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, एड्रेनलिन हार्मोन स्रावित होता है, तो इसे ही क्या कहा जाता है, एड्रिनल ग्रंथि द्वारा जो हार्मोन, तो उन्हें लाइफ सेविंग हार्मोन भी कहा जाता है। और ये क्या करते हैं, बीपी को, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं, क्या करते हैं, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं। अब देखो एड्रिनल ग्रंथि से जो स्रावित हार्मोन होते हैं उसे किससे डिनोट करते हैं, 3F से डिनोट करते हैं, यानी कि फियर, फाइट एंड फ्लाइट, किससे, फियर, फाइट एंड फ्लाइट, कि जब आपको किसी से भय लगता है तो आप उसके से क्या करो, फाइट करो, अगर फाइट में अपन नहीं हो रही तो आप क्या करो, फ्लाइट कर जाओ, मतलब भाग जाओ। तो जो एड्रिनल ग्रंथि से जो हार्मोन स्रावित होते हैं उसे 3F से डिनोट करते हैं, यानी कि फियर, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि नियासिन से होने वाला रोग कौन सा है, तो देखो नियासिन, सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि नियासिन किसका नाम है, तो देखो नियासिन होता है वो विटामिन B3 का रासायनिक नाम है, किसका नाम है, विटामिन B3 का रासायनिक नाम है, और विटामिन B3 की कमी से कौन सा रोग होता है, पेलेग्रा रोग होता है, क्या होता है, पेलेग्रा रोग होता है। इससे क्या होता है, पाचन तंत्र प्रभावित होता है, पाचन तंत्र शरीर पे मतलब लाल लाल चकते बन जाते हैं, और शरीर में क्या आने लगती है, कमजोरी आने लगती है, मतलब थकान होने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि टूथपेस्ट का नेचर कैसा होता है, कि एसिडिक होता है, बेसिक होता है, तो टूथपेस्ट का नेचर कैसा होता है, बेसिक या और एल्कलाइन नेचर का होता है, कैसा होता है, बेसिक और एल्कलाइन नेचर का होता है। तो देखो वहाँ पे आपको ऑप्शन में ओनली क्या मिला था, बेसिक, तो देखो बेसिक और एल्कलाइन, अगर ऑप्शन में नेक्स्ट टाइम पे अगर पूछ सकते हैं तो एल्कलाइन नेचर का भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि हमारे शरीर में शुगर की रोकथाम कौन करता है, तो जो इंसुलिन हार्मोन होता है वो क्या करता है, शुगर को कंट्रोल करता है। और इंसुलिन हार्मोन कहाँ से स्रावित होते हैं, अग्नाशय की जो लेंगर हैंड्स दीपिकाएं होती हैं उनमें 3 प्रकार की सेल होती हैं, अल्फा सेल, बीटा सेल और गामा सेल।
यानी कि डेल्टा सेल भी कह सकते हैं इनको। तो देखो अल्फा सेल के द्वारा ग्लूकागोन हार्मोन स्रावित होता है, बीटा सेल के द्वारा इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछ लेते हैं कि इंसुलिन हार्मोन कौन सी कोशिकाओं के द्वारा स्रावित होता है, तो इंसुलिन हार्मोन बीटा सेल के द्वारा स्रावित होता है और सोमेटोस्टेटिन हार्मोन गामा डेल्टा कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। अल्फा कोशिकाओं द्वारा ग्लूकागोन हार्मोन स्रावित होता है और इंसुलिन हार्मोन क्या करता है, ब्लड में ग्लूकोज की लेवल को क्या करता है, कम करता है। और जो ये ग्लूकागोन हार्मोन क्या करता है, ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि राष्ट्रपति राज्यसभा और लोकसभा में कितने सदस्यों को नियुक्त करता है, तो राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को नियुक्त करता है और लोकसभा में 2 सदस्यों को नियुक्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजयवाड़ा कौन सी नदी पे स्थित है, तो देखो ये वाला क्वेश्चन पहले भी पूछा गया था कि कौन सा शहर, ये क्वेश्चन इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं ये सभी इंपॉर्टेंट है कि ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जा रहा है किसी न किसी शहर के बारे में कि ये वाला शहर कौन सी नदी के किनारे स्थित है। तो इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं उन सभी को आप अच्छे से याद कर लेना। तो देखो विजयवाड़ा कौन सी नदी के किनारे स्थित है, कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बहुत ही इजी है कि चाचा के नाम से कौन जाना जाता है, कि तो चाचा के नाम से कौन जाने जाते हैं, जवाहरलाल नेहरू, कौन जाने जाते हैं, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिल्ड्रेन बर्थ के समय कौन सा हार्मोन हेल्पफुल होता है, तो चिल्ड्रेन के बर्थ के समय कौन सा हार्मोन हेल्पफुल, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। और ये कहाँ से स्रावित होता है, जो पीयूष ग्रंथि का जो न्यूरोहाइपोफाइसिस है, जैसे पीयूष ग्रंथि है हमारे यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड से के दो प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं, एक तो एडिनोहाइपोफाइसिस है, एक न्यूरोहाइपोफाइसिस। न्यूरोहाइपोफाइसिस भाग के द्वारा दो ही हार्मोन स्रावित होते हैं, एक तो एडीएच एडीएच या वेसोप्रेसिन हार्मोन और दूसरा कौन सा, ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित होता है। और ये क्या करता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा खेल बटरफ्लाई से रिलेटेड है, तो कौन सा खेल बटरफ्लाई से, स्विमिंग यानी कि तैराकी बटरफ्लाई से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तारे दिन में क्यों नहीं चमकते दिखाई देते हैं, तो देखो दिन में सूर्य की जो लाइट होती है उसकी इंटेंसिटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए वरना तो तारे दिन में भी चमकते हैं लेकिन लाइट की इंटेंसिटी, सूर्य की लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा होने के कारण हमें दिखाई नहीं देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि विजय हजारे ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो विजय हजारे ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि आरबीआई के गवर्नर कौन है, यानी कि रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है, तो कौन है, शक्तिकांत दास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीएसएलवी C-24 ने कितने सैटेलाइट को कैरी किया था, तो कितने सैटेलाइट को कैरी किया था, 2 सैटेलाइट को कैरी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीसीजी का टीका किसके लिए उपयोगी है, तो जो बीसीजी है उसका टीका किसके लिए लिए इम्पोर्टेंट है, टीबी के लिए, किसके लिए उपयोगी है, टीबी के लिए यानी कि ट्यूबर क्लोसिस। वो जो टीबी डिजीज है वो किसके द्वारा होती है, बैक्टीरिया के द्वारा, किसके द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा होती है। अब देखो बीसीजी की फुल फॉर्म क्या होती है, बेसिलस क्लिमेटिग्यूरिन, क्या होती है, बेसिलस क्लिमेटिग्यूरिन। और इससे क्या प्रभावित होते हैं हमारे लंग्स, क्या प्रभावित होते हैं, लंग्स प्रभावित होते हैं। और देखो बीसीजी यानी कि, और बैक्टीरिया कौन सा है इसका, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, कौन से बैक्टीरिया के द्वारा होती है टीबी, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के द्वारा होती है। तो देखो ये बीसीजी से रिलेटेड ये क्वेश्चन 2-3 बार पूछ लिया है। तो देखो एक डीपीटी वैक्सीन भी होती है, क्या होती है, डीपीटी। तो ये क्या है, कॉम्बिनेशन है वैक्सीन अगेंस्ट 3 इन्फेक्शन डिजीज, 3 जो बीमारियां हैं उनका कॉम्बिनेशन है, कौन कौन सी है, डिप्थीरिया, पर्टूटिस एंड टिटनेस। किसका किसका है, डीपीटी का वैक्सीन किसके लिए लगाया जाता है, डिप्थीरिया, पर्टूटिस और टिटनेस। पर्टूटिस मतलब कुकर खांसी,
और टिटनेस के लिए किसका टीका लगाया जाता है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो गया है, लेकिन ये वाला क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया। तो आगे होने वाली एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं कि डीपीटी वैक्सीन किसके लिए लगाया जाता है, तो डिप्टीरिया पर्टुटिस और टिटनेस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कथकली डांस कौन से राज्य का है, तो कौन से राज्य का, केरल। इसी से रिलेटेड कथक डांस कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेलोसिटी का एसआई मात्रक क्या होता है, तो वेलोसिटी का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है। क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है। कि यानी कि देखो वेलोसिटी क्या होती है, कि मतलब मीटर प्रति सेकंड इसका मात्रक है। तो देखो इसको क्या कहेंगे, एक निश्चित दिशा में किसी वस्तु द्वारा कोई भी, मतलब कोई निश्चित दिशा, एक निश्चित दिशा है, मतलब वेलोसिटी क्या है, एक सदिश राशि है। क्या है, एक सदिश राशि है। तो हम इसकी डेफिनेशन क्या कह सकते हैं, कि एक निश्चित दिशा में किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड में तय की गई दूरी क्या कहलाती है, वेलोसिटी कहलाती है। मान लो कि ये इस दिशा में जा रही है, कि इसकी दिशा कैसी है, एक निश्चित दिशा है, तो प्रति सेकंड में तय की गई दूरी क्या कहलाती है, वेलोसिटी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन के की कमी से क्या होता है। देखो विटामिन से हमेशा एक या दो क्वेश्चन हर पेपर में पूछे जा रहे हैं आपसे। तो देखो इससे विटामिन से रिलेटेड वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है। तो देखो विटामिन के की कमी से क्या होता है, तो विटामिन के की कमी से क्या होता है, रुधिर का थक्का नहीं बनता। क्या नहीं बनता, रुधिर का थक्का नहीं बनता है। एक देखो क्वेश्चन पहले जो पूछा गया था वो क्या पूछा गया था, कि कौन सा आयन रक्त का थक्का जमाने में सहायक है। तो जो कैल्शियम आयन होता है वो क्या है, विटामिन का थक्का जमाने में सहायक होता है। कौन सा, कैल्शियम आयन भी विटामिन का थक्का जमाने में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पेस एक्स का सीईओ कौन है, तो कौन है, एलोन मस्क। कौन है, एलोन मस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पेसिफिक हीट यानी कि विशिष्ट ऊष्मा की एसआई यूनिट क्या होगी, तो जो विशिष्ट ऊष्मा है उसकी एसआई यूनिट क्या होती है, जूल पर किलोग्राम केल्विन होती है। क्या होती है, जूल पर किलोग्राम केल्विन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अग्नि किस प्रकार की मिसाइल है, तो अग्नि सतह से सतह पर वार करने वाली मिसाइल है। क्या है, सतह से सतह पर वार करने वाली मिसाइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मंत्रालय से पासपोर्ट जारी होते हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से पासपोर्ट जारी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थीम ऑफ वर्ल्ड हैप्पी डे, तो देखो कि ये नहीं पता कि कौन सी ईयर का पूछा गया था, कि देखो आपको ऑप्शन से पता चल जाएगा, कि देखो 2019 की थीम है हैप्पियर टुगेदर। क्या थी, कौन सी थी, हैप्पियर टुगेदर। 2018 की थीम थी शेयर हैप्पीनेस। क्या थी, शेयर हैप्पीनेस। तो इन दोनों ऑप्शन से 2019 की थी हैप्पियर टुगेदर और 2018 की थीम है शेयर हैप्पीनेस। अब देखो वर्ल्ड हैप्पी डे कब मनाया जाता है, 20 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 20 मार्च को मनाया जाता है। और कब से मनाया जाता है, तो 2013 से ही मनाया जाना शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2017 का ल्यूरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड किसे दिया गया है, तो किसको दिया गया था, 2017 को हुसैन बोल्ट को दिया गया था। किसको, हुसैन बोल्ट का। 2018 को रोजर फेडरर को दिया गया था। और 2019 का किसको दिया गया है, नोवाक जोकोविक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से ईयर में पहला रणजी ट्रॉफी खेला गया था, तो 4 नवंबर 1934 को पहला रणजी ट्रॉफी खेला गया था। और किसके बीच में, मद्रास व मैसूर के बीच में खेला गया था। और ये कौन से ग्राउंड में खेला गया था, चिपुक ग्राउंड इन मद्रास में खेला गया था। और कौन सा ग्राउंड था, चिपुक ग्राउंड में खेला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जम्मू किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो जम्मू तवी नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा गोल करने वाला फुटबॉल खिलाड़ी कौन है, तो सबसे ज़्यादा जो गोल करने वाला वो फुटबॉल खिलाड़ी कौन है, क्रिश्चियन रोनाल्डो। इसने लगभग टोटल 682 गोल किए हैं। कितनी, 682। और दूसरे नंबर पे है लियोनेल मेसी। कौन है, लियोनेल मेसी। इन्होंने लगभग 660 गोल किए हैं। कितनी, 660। सेकेंड नंबर पर कौन है, लियोनेल मेसी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओम्स लॉ। देखो ओम्स लॉ के बारे में मैं आपको पहले भी डिटेल से बता चुकी हूँ। तो देखो ओम्स लॉ क्या होता है कि मान लो कि एक चालक तार है, मान लो एक चालक तार है, इसके दो सिरे हैं यानी कि ए और बी, क्या है ए और बी। तो इन चालक सिरों के बीच विद्युत, जब इन चालक सिरों के बीच क्या प्रवाहित करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। तो जैसे विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो क्या इसमें क्या उत्पन्न हो जाता है, विभांतर उत्पन्न हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि यदि स्थिर ताप पर, ताप कैसा होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए, स्थिर ताप पर चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभांतर उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है। यानी कि समानुपाती, अगर धारा का मान हम बढ़ाएंगे तो V का मान भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यानी कि विभांतर का मान भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर धारा का मान हम कम कर देंगे तो विभांतर का मान भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएंगे। तो इसको यहाँ पर समानुपाती का निशान हटाने के लिए यहाँ पर आर क्या लगा देते हैं, नियतांक लगा देते हैं, यानी कि स्थिरांक लगा देते हैं। ये क्या था, ओम्स लॉ है। अब देखो वहां पे आपको क्या क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप इनसे देख सकते हैं कि कैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खजुराहो मंदिर किसने बनवाया था। तो देखो खजुराहो को मंदिर किसने बनाया था, चंदेल वंश के राजाओं ने बनाया था। किसने, चंदेल वंश के राजाओं ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आलू पौधे का कौन सा भाग है। तो आलू पौधे का क्या होता है, स्टेम होता है, क्या होता है, स्टेम होता है। अब देखो इनसे, देखो आलू के बारे में पूछ लिया, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि रेडिश और कैरोट का खाने योग्य भाग क्या होता है, रूट होता है, क्या होता है, रूट होता है। और कैलीफ्लावर एंड ब्रोकली का खाने योग्य भाग क्या होता है, फ्लावर होता है। तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करना, क्योंकि इससे मेरा क्या होगा, मोटिवेशन बढ़ेगा। तो और अगर इन क्वेश्चनों के अलावा आपके पास और भी इनसे रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।